losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? Hey guys, so today is the day, and today we are going to the Babatu Statue of Unity. Yay! Now, the car is in the same place. We have to arrange the seat behind the car. We have to check out the car. We are going. This is a new part. If you have not seen the old part, then you can see that too. Hey guys, welcome back to the channel. My name is Shivani. तो गाइस ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे और ये एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बना हुआ है। Are you sure? Or do I think the bottom I can take around the world? Totally hygienic. पहुंच गए हैं हमारे होटल बीआरजी बजट स्टे में एंड अब हम जाएंगे हमारे रूम में। चेक इन कर लिया है ना, अब हम अंदर जाएंगे। हम हमारे रूम में जा रहे हैं, फिर हम थोड़ा घूमेंगे एंड 4 to 6 है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी में व्यू पॉइंट की टाइमिंग्स, तो हम तब जाएंगे उधर। गाइस अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी की पार्किंग में जा रहे हैं। मेरे लेफ्ट में आप देखिए यहाँ पर है फॉरेस्ट में यांकी फॉरेस्ट, मतलब एक इन्होंने बच्चों के लिए भी एक विजिट अट्रैक्शन बना रखा है। अब यहाँ से इस तरफ जाके हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे पहले पार्किंग में, वहाँ से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ की जो बसेज हैं डेजिग्नेटेड वो लेके जाएंगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्री में। ये इस तरफ एकता मॉल है, शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो सब करनी है, वैसे मेरे हिसाब से मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। ये फूड एंड न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स है बच्चों के लिए, इन्होंने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स बना रखा है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोगों को चीज़ें सिखाते हैं। ये तो मेरी जो शाम तक खुला हुआ। यहीं फूड कोर्ट भी है इस तरफ और अब हम यहाँ जा रहे हैं पार्किंग में। सो गाइज इतने सालों से जो हम पार्किंग देख रहे थे वीडियोज में और यूट्यूब के सारे वीडियोज में, उसमें सिमोन और उनकी गाड़ी आ चुके हैं। यहाँ से हमने गाड़ी पार्क कर दी है और नीचे से मंगाने स्टैचू टिकट पे आने की नहीं, टिकट्स और ऑनलाइन बुक कर चुके। और सबके लिए बता दूँ जो टिकट्स हमारी बुक हुई थी उसी के अंदर हमारी ये जो बस वाली स्वागत स्थल है एंड यहाँ से हम आगे जाके बस लेंगे और जाएंगे जंगल सफारी।
कि सामने टिकट काउंटर है, इनकेस आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई तो आप यहाँ से भी टिकट परचेज कर सकते हैं। यहीं पे सब खाने पीने के आउटलेट्स हैं। श्रेष्ठ भारत भवन है हमारे राइट साइड में, रमाडा का होटल है, यहाँ आप रुक सकते हैं और यहीं से टिकट्स मिल सकती हैं। यहीं से आगे आप बस को देखिए, पिकअप पॉइंट बने हुए हैं सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए, यहाँ जा सकते हैं। फूड कोर्ट है यहाँ पे एक तरफ, और फिलहाल हम जा रहे हैं सफारी क्योंकि हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट्स बुक हैं, उसका स्लॉट हमने लिया है 4 से 6 बजे का। अरे यार, हमेशा की तरह हमारी बस छूट चुकी है सीधे। मेरे को यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि 2 ईयर्स पहले हमें यहाँ आना था पर हम आए नहीं, पर आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। स्टैचू को देख के तो मज़े आ गए। तो वहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन एंड वहाँ पे सरदार सरोवर डैम एंड यहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इधर से इतना सुंदर लग रहा है, तो हम पास में जाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। एंड यहाँ पे ये है पूरी नर्मदा रिवर। हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी। ऑटो इन ऑटो उसको सारी लेडीज ही चलाती हैं। एंड अब हम पहुंच चुके हैं जंगल सफारी। अब यहाँ से हम टिकट लेंगे एंड हम एनिमल्स को देखेंगे। इसी के जस्ट सामने है पेट जोन जहाँ पे छोटे एनिमल्स हैं, हम उन्हें टच भी कर सकते हैं। जंगल सफारी और पेट जोन का आपको एक सेपरेट ब्लॉग मिलेगा क्योंकि मैं उसमें पूरा एलैबोरेट करके आपको बताना चाहती हूँ। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। गाइस अब हम आके बैठे हैं पिंक ऑटो में। पिंक ऑटो में बैठे हैं जो यहाँ का बहुत फेमस पिंक ऑटो है। ये सिर्फ यहाँ की लेडीज चलाती हैं। वेरी नाइस टू सी। इससे हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की पार्किंग तक। स्टैचू ऑफ यूनिटी को अभी आप देख सकते हैं। एंड दिस थिंग रन्स मैन, क्या भागता है। और कितने टाइम से चला रहे हो आप? 1 साल हो गए हमारे। 1 साल हो गया। हाँ गाइस, 1 साल हो गया इन। तो हमने वहाँ पे अपनी टिकट दिखाई और हमने एंट्री कर ली है। अब यहाँ से हम उस साइड जाएंगे। पहले हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ एंड उसके बाद हम व्यूइंग गैलरी में जाएंगे। चलते हैं।
अब स्टैचू और भी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि हम उसके पास जाते जा रहे हैं। शो देखेंगे रात को, बताओ। यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे हम शाम के टाइम लेजर शो देखेंगे जो 7 o'clock स्टार्ट होता है। हम आ गए फूड कोर्ट में, यहाँ पे स्टारबक्स भी है। स्टारबक्स है, मैंने गुजराती में बोलने की कोशिश की, स्टारबक्स। सीसीडी है, इतना सा स्टैचू। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम लंच करेंगे, उसके बाद हमारा टाइम क्या है? 4 to 6। 4 to 6। पास जाके बताओ, आगे चलो। मेकिंग ऑफ स्टैचू, और इंटरनल क्या था ये बताओ। अंदर से कैसा है?
अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे माइक में कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिसके कारण सिमोन की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है। नेवरदलेस मैं आपको बताऊंगा कि अब हम घुस चुके हैं गैलरी में कुछ इस तरह। हट जाओ बच्चे, हट जाओ। गैलरी से नीचे का दृश्य बहुत ही विहंगम था, काफ़ी भीड़ थी गैलरी में। नीचे से नर्मदा रिवर नज़र आ रही है, उसके उस पार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जाइगेंटिक एक साइन बना रखा है वो नज़र आ रहा है। रात को लाइटिंग भी होगी वहाँ पर, बहुत ही अच्छा नज़ारा सिमोन आपको बताते हुए कि हम अभी हैं फ़िलहाल 153 मीटर ऑलमोस्ट, हम चेस्ट लेवल पे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, और जो इनकी ड्रेस है उसके सेकंड बटन के आसपास हैं हम। ये जो व्यूइंग गैलरी है इसकी हाइट ऑलमोस्ट 153 मीटर से है, राइट 153 मीटर से। सामने आपको नज़र आ रहा है सरदार सरोवर डैम। इससे मुझे याद आया कि आपको ज़रूर बताना चाहूँ, नर्मदा रिवर पर डैम बनाने का सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, इसलिए इस जगह को चुना गया इस स्टैचू के निर्माण के लिए। इस स्टैचू की नज़र से उनका यह सपना साकार हुआ। मोदी जी का यही विजन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना पूरा हो पाए। देखिए स्टैचू में किस तरह गाइड्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स और बाकी लोगों को बता रहे हैं स्टैचू की डिटेल्स के बारे में। यहाँ से जो नज़ारे हैं वो तो बहुत बढ़िया हैं ही, एक आपको अलग सी फीलिंग आती है कि किस तरह इन्होंने इस पूरे एरिया को डेवलप कर रखा है। आप चारों तरफ नज़र दौड़ाकर सारे अट्रैक्शंस को पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। सिमोन तो काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही हैं, साथ ही लोग अंदर से डिटेलिंग देख रहे हैं कि किस तरह इस स्टैचू को डिज़ाइन किया गया है। आप कुछ पीले टैग देख पाएंगे पार्ट्स पर, उन पार्ट्स के रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं। इन फ्यूचर अगर इन पार्ट्स में कोई दिक्कत आ जाए, रस्टिंग हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उन नंबर्स की मदद से उनको रिप्लेस किया जा सकता है, उनकी एग्जैक्ट जगह पर दोबारा लगा सकते हैं ऑर्डर करके। और ये यहाँ पर कुछ गाइड्स हैं जो पूरी डिटेल में बता रहे हैं स्टैचू के बारे में, बहुत ही प्यारी मधुर मराठी भाषा में इन्होंने बताया था इस स्टैचू के बारे में। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो रिकॉर्ड कर तो पाए, बट आवाज़ जो है वो गायब हो गई।
उपरांत हम उसी लिफ्ट से नीचे आ गए। जी हाँ, वही लिफ्ट जो ऊपर जाती है वही नीचे भी आती है उसी गति से। उस लिफ्ट का उपयोग करते हुए सीधा हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम व्यूइंग गैलरी जो कि स्थित है स्टैचू के कर कमलों पर वहाँ गए, वहाँ से विहंगम दृश्यों का आनंद लेने के लिए। अब इस एस्केलेटर्स की मदद से हम जा रहे हैं स्टैच्यू के कर कमलों की तरफ। चार एस्केलेटर हैं जो पहले एंच करके फिर ऑंच करके फिर से एंच करके और फिर से ऑंच करके हमें पहुंचाएंगे स्टैच्यू के फीट लेवल पर। सिमोन इसी बारे में मेरे ख्याल बता रही थी। साथ ही आप देख पाएंगे एक इन्होंने स्लैंटेड एक गार्डन बना रखा है बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन्ड। कुछ देर और ऊपर जाने पे आप देख सकते हैं हमें लेफ्ट पे नज़र आई नर्मदा नदी जिसके अंदर चल रहा है एक क्रूज। इसे कहते हैं एकता क्रूज। इसका डेजिग्नेटेड स्टॉप और डेजिग्नेटेड स्टार्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है। फिर से उन इंच ऊंच करते हुए एस्केलेटर की मदद से हम चल दिए ऊपर की ओर और अल्टीमेटली पहुँच गए स्टैच्यू के फीट लेवल पर जहाँ पर काफ़ी हवा चल रही थी। यहाँ से मोन फिर से बताने की कोशिश करते हुए कि इस स्टैचू का जो साइज़ है बहुत 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 और बहुत ज़्यादा ही एनॉर्मस है। सिमोन ये बताते हुए कि उसकी हाइट तो ऑलमोस्ट स्टैचू के पेडिस्टियल तक ही है। देखिए कितनी छोटी है सिमोन और कितना बड़ा है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी 183 meters। साथ ही सिमोन इस नज़ारे के बारे में भी कुछ कहती हुई, इस नज़ारे को देखने का आनंद दोगुना हो गया था मौसम की वजह से। काफ़ी ग्रुप्स भी आए हुए थे स्कूल्स की तरफ से। पास आ चुके हैं, कैक्टस गार्डन पीछे चले गए हैं एंड हम रिवर के राइट साइड में हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी उधर पीछे अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा एंड अभी हम शाम को लेज़र शो के लिए भी जाएंगे। गाइस ये देखिए।
देखिए ये पार्किंग है और यहीं पे लोग बैठ के, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आएगा लेज़र शो का। इन सडन केसेस अगर आप भूल जाते हैं अपनी टिकट में लेज़र शो को ऐड करना, तो नॉट टू वरी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बैठ के, बहुत ही अच्छा व्यू आता है और यहाँ बैठ के भी आप पूरा आनंद ले सकते हैं लेज़र शो का। बट जस्ट बिकॉज कि हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास टिकट भी है, तो हम जा रहे हैं अंदर एक बार फिर से और वहाँ बैठ के हम वहीं से देखेंगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं लेज़र शो देखने। देखिए जो सुबह बिल्कुल खाली था चेयर्स एंड बेंचेस, वो पूरे ऑक्यूपाइड हो गए हैं। यहाँ से लेज़र शो चलेगा और ये पूरे ऑक्यूपाइड आ गए हैं और हम लेट हैं, तो हम बिल्कुल पीछे बैठेंगे, बट नो प्रॉब्लम, सबसे सब जगह से एक जैसे दिख। उसी में दिखा रहे हैं कि इतने इतने ईयर बाद इसका कलर ऐसे ऐसे हो जाएगा। आई जी बता रहे हैं विद टाइम कैसे कलर चेंज होगा स्टैचू का। How was your experience? It was very good. Spectacular. Yes. बिल्कुल amazing, एकदम सब लोग देख के spell bound हो गए, the word is spell bound. बिल्कुल pin drop silence था, सब लोग ऐसे देख रहे थे और end में बिल्कुल लोग एकदम। और ये अंकल देखिए व्हील चेयर पे बैठे थे सारा टाइम, बट जब नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ तो ही स्टूड अप। हाउ नाइस वाज दैट। तो दिस कंक्लूड्स आवर जर्नी टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सिमोन आप कुछ कहना चाहेंगे? इट वाज सो फन, बहुत मजा आया यहाँ पे, एंड यहाँ की यहाँ स्टैचू बहुत सुंदर था एंड यहाँ घूम के बहुत मज़ा आया। अहमदाबाद में भी बहुत मज़ा आया और यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तो अब हम मिलेंगे कल की रिटर्न जर्नी पे। यस, वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल नाउ। और बहुत बहुत बड़ा एक बढ़िया एक्सपीरियंस, देखिए किस तरह का यहाँ माहौल है। तो गाइस देखिए अब हम शेयर्ड ऑटो में हैं, हमारी रिक्शा राइड भी हो गई है। ये सिमोन मामा, वी आर योर रिक्शा गोइंग टू पार्किंग। अरे ये ऑन करो, ये भैया अब ये उड़ तो नहीं जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये ऑटो उड़ी ना चाहे।
day 4 एंड हम जा रहे हैं घर। हमारी गाड़ी में पूरा सामान रख रहे हैं अभी सब मम्मी पापा एंड हम जा रहे हैं घर। ये जगह बहुत अच्छी है, ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा। आई होप आपको इस ट्रिप से थोड़ी हेल्प मिली होगी कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम चलते हैं वापस घर। गाइस हमारी ट्रिप ख़त्म हुई नहीं है, हम घर अभी तक पहुँचे नहीं हैं, और जो हमारी नेक्स्ट ईयर मुंबई वाली ट्रिप है मैं अभी से वही प्लान कर रही हूँ कि कितनी देर लगेगी हमें मुंबई पहुँचने में, मुंबई से बताऊँगा। गाइस अभी हमें 9 घंटे हैं घर पहुँचने में, और ये अगला ट्रिप प्लान कर रहे हैं कि जब मुंबई एक्सप्रेस वे खुल जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा खुल जाएगा, तो ये पुणे जाएंगे, पुणे से लोनावला जाएंगे। ये उसकी सर्च कर रही है कितनी देर लगेगी। अपना फोन दीजिए।